आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद आगरा स्थित रावली मंदिर शिवालयों की संख्या में आता है। शहर का रावली महादेव मंदिर भी प्रमुख है। इसकी वजह से अंग्रेज इंजीनियरों को रेलवे लाइन को बदलना पड़ा था, तब कहीं जाकर आगरा फोर्ट ईदगाह रेलवे लाइन शुरू हो पाई थी। लोगों की माने तो यहाँ मांगी गई हर प्रार्थना पूरी होती है। इस मंदिर पर हर सोमवार को मेला लगता है और काफी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा मानसिंह ने की थी। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ महादेव की आराधना के लिए जोर शोर से धूम मची हुई है। ये रावली महामंदिर सबसे पुराना विष्णु मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता ये है, जो राजा मानसिंह द्वारा ये स्वतः ही प्रकट है और प्रकट होने के बावजूद उनके शासनकाल के अंदर, और यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अंग्रेजों ने भी इस मंदिर को हटाने के लिए भरसक प्रयास करे और लाइन को भी टेढ़ा किया गया, उसके बावजूद भी ये मंदिर तत्समस नहीं गया, जिस कारण आज भी ये वर्तमान में ये रेलवे लाइन मोड़ करके निकाली गई। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो कल होगा प्रोग्राम 14 शिवरात्रि की तैयारी सबसे ज़्यादा चल रही है। माना जाता है कि सभी क्षेत्रों में शिवरात्रि आज की मानी गई है, ठीक है? आज इसमें क्या कहना है कि आप रावली मंदिर में कितनी तैयारी चल रही है? सभी क्षेत्रों में नहीं मनाई गई है, काफ़ी क्षेत्रों में कल है, दो दिन का त्यौहार हो गया ये 13 का और 14 का। यहाँ जो मनाया जा रहा है 14 फरवरी दिन बुधवार को लेकर के प्रातःकाल से रुद्र अभिषेक चालू हो जाएगा, और तत्पश्चात यहाँ पर गुलबकड़ा लाइटिंग रात्रि जागरण सभी तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आएंगे जो कल दिन बुधवार के लगभग। रावली मंदिर पर भक्तजन काफी आए हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। आज हमारे साथ भक्तजन है, आप रावली मंदिर से कहाँ से आए? आप शिव मंदिर पे क्या रास्ता लेके आई हो, क्या मनोकामना है आपकी? किसी का बर्थडे होता है तो हम उनके यहाँ जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करें। आज उनकी शादी की सैलरी है, मेरी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, मैं बस आप क्या काम करना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे रावली महादेव पूरी करने वाले हैं, बाहर से गेट से लेकर मेन गेट से लेकर जो तैयारी चल रही है, सब जगह डेकोरेशन चल रही है, तो बस यही है कि इस तरह से हमारे डैडी मम्मी का एनिवर्सरी होता है 40 साल में, तो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। डैडी मम्मी को अपने घर को सजाते हैं, पार्टी करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, हम यहाँ मेरे बाबा को मेरे बोल रहा हूँ उनको इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपने आप ही उनके घर पर आते हैं, उनकी शादी के साथ आते हैं। हमारे साथ में रावली मंदिर के मंत्री हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा भोले बाबा में बहुत बड़ी शक्ति है, आज बाबा की प्रेरणा से भी समाज सेवा करना शुरू किया और इस प्रकार समाज सेवा की भी राष्ट्रीय स्तर की सेवा कर रहा हूँ और पूरे देश में जाता हूँ समाज सेवा कर, सेवा बाबा की भोले बाबा की कृपा से। नहीं, मुझ में कोई शक्ति नहीं थी कि मैं जिले का भी सेवा होता हूँ, आज मैं जिस जिले में चला जाता हूँ वहाँ DM से मिलता हूँ और DM बाकायदा हाथ मिलाकर मिलते हैं, तो सब भोले बाबा के पास, भोले बाबा बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा कहने का JP नंगर बचपन यही हुआ, मेरा यही पे जन्म हुआ है मेरा, सुबह 4 बजे से शिवरात्रि आज की भी मान्य है और कल की मान्य जा रही है, मैं पूर्ण रूप से कल मानते हैं। माना जाता है कि रावली महामंदिर की सबसे ज़्यादा विशेषता ये है कि अंग्रेजों को जमाने का और अंग्रेजों ने काफ़ी इसे तोड़ने की कोशिश की गई, मगर शिवलिंगों ने तस्से मस नहीं कर सकेंगे। आप बता सकते वो रेलवे लाइन को सीधा करने के चक्कर में उन्होंने मतलब शिवलिंग को आगे करने की कोशिश की, मगर वो खुदाई करते गए और शिवलिंग भोले बाबा की बढ़ती गई।
तो उस इंद्र को बाहर नहीं निकलता। माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी भक्तजन आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है अपनी आस्था से, सेवा भाव से, बड़ी श्रद्धा से। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले भोले बाबा हैं, बहुत सच्चे भोले बाबा है। और भक्त अगर भोले बाबा से अपने मन से, आत्मा से, अंदर से मतलब मानता है तो वो भगवान पूर्ण करते ही करते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण भोले बाबा करते ही। उनकी भक्तों की बहुत। कितने समय से आप दुकान लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। आज सबसे ज़्यादा रावली महामंदिर पे आज विशेष ज़्यादा तैयारियाँ चल रही है, कल की सारे देशों में सबसे ज़्यादा आज की मनाई जा रही है, क्यों, इसका कारण क्या है? अच्छा, पहली बार हुआ है सर। कल शंकर भोलेनाथ की शादी का दिन है, इसमें प्रसाद में सबसे ज्यादा शंकर भोलेनाथ को किस चीज से पसंद है? राम का टुकड़ा वो रखे सामने, और समाचार A2Z के लिए आगरा से रैम्बो के साथ अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार।